नमस्कार, हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हो। और अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आज से, अभी से अपना ख्याल रखना शुरू करें और सबसे ज्यादा अपनी मेंटल वेलबींग के लिए थोड़ा सा सजग हो जाएं, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर हमारी मनस्थिति अच्छी है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। और मनस्थिति को अच्छा रखने के लिए जरूरी है माइंडफुलनेस, यानी ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया जिसको हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और बहुत आसान लेकिन बेहद जरूरी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। मैंने एक पिछला वीडियो शेयर किया था जिसमें माइंडफुलनेस के 4 तरीके मैंने आपको बताए थे। इन तरीकों को आजमाकर, इन तरीकों को सीखकर आप बहुत आसानी से माइंडफुलनेस को अपने जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको माइंडफुलनेस की ABCD ये सिखाने वाली हूँ। अब आप कहेंगे भाई ABCD तो हमने बहुत पहले सीख ली थी, अब ये कौन सी ABCD है? देखिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस का हिस्सा है ये ABCD। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो उसका कनेक्टिंग वीडियो है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाएं और जाकर उस वीडियो को देखें कि माइंडफुलनेस के वो कौन से 4 तरीके हैं जिनको सीखकर और जिनको सरल तरीके से आजमाकर आप अपनी जिंदगी में माइंडफुलनेस को कितना ज्यादा ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं माइंडफुलनेस के वो 4 स्टेप्स आपके लिए लेकर आई हूं जो कि ABCD ट्रेनिंग का हिस्सा है। यानी उन 4 स्टेप्स को आप सीख सकते हैं और आसानी से, चाहे तो आप घर पर कर सकते हैं या फिर ऑफिस में या जहां आप चाहें वहां ये 4 तरीके आजमा सकते हैं। और इन 4 तरीकों को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतने ज्यादा आप माइंडफुलनेस के प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस ABCD को कैसे सीखा जाए। देखिए, माइंडफुलनेस वैसे तो ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे आप घर पर हो या अपने ऑफिस में हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अपने माइंड को और ज्यादा अटेंटिव करना है या आपको थोड़ा सा टेक्निकली माइंडफुलनेस को सीखना है तो ये जो 4 स्टेप्स आज मैं लेकर आई हूं ये आप जरूर सीखिए। और इन 4 स्टेप्स को सीखने के बाद आपको लगेगा कि ये माइंडफुलनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल वेलबींग के लिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा है तो फिर हम किसी भी तरह की स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ABCD में से वो जो पहला है स्टेप वो है ए मतलब एटीट्यूड। अगर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेक करिए। क्या आप जजमेंटल है, यानी आप लोगों को देखकर बहुत जल्दी अपने परसेप्शन के अनुसार आप राय दे देते हैं या फिर उन्हें जज कर लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा बदलने की जरूरत है। आपको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड को अडॉप्ट करना होगा। तो ये पहला स्टेप है एटीट्यूड का। दूसरा है काइंडनेस। अगर आपके एटीट्यूड में काइंडनेस नहीं है, अगर आपको बहुत जल्दी किसी भी चीज के लिए गुस्सा आ जाता है या किसी को भी हर्ट कर देते हैं या फिर आप में एक जेलेसी वाला फील है या जो काइंड हार्टेड पर्सन की जो क्वालिटीज होती हैं वो थोड़ी कम है, तो उनको तो आप सीख सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो अपने एटीट्यूड में काइंडनेस को ऐड करिए। काइंडनेस को ऐड करने के बाद जो तीसरी चीज आपको ऐड करनी है वो ये कि जिस भी मोमेंट में है उस मोमेंट के लिए एक एक्सेप्टेंस आपके मन में होनी चाहिए। चाहे वो परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, या हो सकता है आपके विपरीत हो, आपके मन के अनुसार वो चीजें ना हुई हो जैसा आप चाहते थे, तो उनके लिए भी एक्सेप्टेंस आपके मन में हो। और ये चीजें करने के लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये एटीट्यूड अगर नहीं है तो आप माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंडफुलनेस ये प्रैक्टिस का जो हिस्सा है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति एक अच्छा इंसान तभी बन सकता है, या माइंडफुलनेस का जो पूरा बेनिफिट है वो तभी मिल सकता है जब एक पर्सन का जो एटीट्यूड है वो काइंडनेस से भरा हो, नॉन जजमेंटल हो और पॉजिटिव एटीट्यूड हो। तो पहली ABCD का जो पहला ए है वो है एटीट्यूड। तो अपने एटीट्यूड को आप चेक कर लीजिए, आपके एटीट्यूड में अगर ये सारी चीजें नहीं है तो इनको ऐड करिए। लोग जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को आप पसंद करते हैं तमाम खामियों के बावजूद भी, तो फिर सामने वाले लोगों को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तमाम खामियों के बावजूद भी। तो ये एटीट्यूड आपको अडॉप्ट करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। और दूसरा स्टेप जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ा है। दूसरा जो स्टेप है वो कहता है बॉडी एंड ब्रीदिंग पर फोकस करिए। देखिए, ABCD का ए आपने जान लिया,
बी है बॉडी एंड ब्रीदिंग। इस चीज को आप प्रैक्टिस में जब लाएं तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे आपकी बॉडी में जो सेंसेशन आपको फील हो रहा है जिस भी मोमेंट में आप ये प्रैक्टिस करना चाहें, आप घर पर करें या ऑफिस में करें, या फिर आप कभी कभी जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और रेड लाइट पर हमें कुछ मिनट के लिए रुकना पड़ जाता है तो उस वक्त भी आप इस प्रैक्टिस को आजमा सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए, आप सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, या डीप ब्रीदिंग की आप प्रैक्टिस भी उस वक्त कर सकते हैं, और बॉडी के सेंसेशन पर अपना फोकस थोड़ा सा डालिए कि आपको बॉडी में कैसा फील हो रहा है, आपकी सेंसेशन क्या कह रही है, आपको भूख लग रही है प्यास लग रही है या जो भी आप महसूस कर रहे हैं, आपके जो भी 5 senses है उनमें से क्या आपको महसूस हो रहा है। तो वो जब आप महसूस करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा कॉन्शियस होना शुरू होगा, और माइंड को कॉन्शियस करने के लिए ही हम माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस करें। और ऐसा जब आप करेंगे तो जितनी भी तमाम चीजें लाइफ में हो रही हैं या पूरे दिन में आपके साथ हो रही हैं, कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती हैं, तो उन सारी चीजों से अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए बॉडी एंड ब्रीदिंग, ये दोनों की जो फोकसिंग पावर है ये बढ़ती है, और इससे आप अपने माइंड को कूल और काम करने की और आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा बॉडी एंड ब्रीदिंग, ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ना ही जजमेंटल होने की जरूरत है, ना ही किसी और के बारे में सोचने की जरूरत है। अपनी बॉडी के बारे में सोचिए, अपनी बॉडी को देखिए। दूसरा, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए, तो ये बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा बेहद आसान है। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, जिनको एंजाइटी बहुत ज्यादा फील होती है, या बहुत सारे लोगों को आजकल हम देखते हैं नींद नहीं आती है, या नींद आती है तो वो स्लीप जो है वो बहुत साउंड स्लीप नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो तीसरा स्टेप है ये बहुत काम का है। इस तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको काउंटिंग की हेल्प लेनी है। अब आप ये कहेंगे कि पहले तो ABCD सीखो फिर ये काउंटिंग भी, जो कि हमने बचपन में सीख लिया था। देखिए, पूरी जिंदगी में अगर हम लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐड होती जाएंगी और हमारी लाइफ आसान होती जाएगी। तो ये काउंटिंग आपको सिंपल तरीके से काउंटिंग करनी है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने माइंड को कितना ज्यादा फोकस्ड और कितना ज्यादा कूल एंड काम रखना चाहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं काउंटिंग, या तो आप 0 to 50 आप सिंपल वे में क्लॉकवाइज आप काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। उल्टी गिनती जब आप शुरू करते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव होता है, थोड़ा सा फोकस उसका ज्यादा उसमें लगता है, क्योंकि जब आप सीधी गिनती करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके माइंड को आदत है और सीधी सीधी चीजें तो आसानी से हो जाती हैं। लेकिन माइंड को अगर कूल और काम करना है तो थोड़ा सा कंट्रोल उस पर लाना है, तो फिर उल्टी गिनती शुरू करिए। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप 0 to 50 उल्टी गिनती शुरू करें। जैसे 50 को अगर आप काउंट करेंगे तो 50, 49, 48 इस तरह से आप काउंटिंग करें, और साथ साथ डीप ब्रीदिंग भी करें। तो ये आपकी जो नींद ना आने की समस्या है उसमें हेल्प करेगा। साथ ही आपको अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा फील हो रही है तो आपके माइंड को आपकी जो ब्रीदिंग है, अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग है, उसको भी कूल एंड काम करने में, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो एक काउंटिंग की आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए, माइंडफुलनेस की बहुत आसान प्रैक्टिस है और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा। तो ये ट्रेनिंग आप बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसकी आदत बढ़ाएंगे वैसे वैसे माइंड फोकस होता चला जाएगा। और आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 दिन के लिए इस प्रैक्टिस को करके देखें, और मिनिमम आप 10 मिनट्स तो जरूर करें। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, आप जब सोने जाएं और आपको लग रहा है कि अब नींद नहीं आ रही है तब इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। क्योंकि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए पर्टिकुलर आपको पद्मासन में बैठने की जरूरत नहीं है, या आपको सिर्फ बैठ के ही करना है, ऐसी भी कोई समस्या नहीं है, आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, और वो है डी, यानी डिस्ट्रैक्शन क्या है इसको आइडेंटिफाई करना है। आप जब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा माइंड बार बार उन चीजों की तरफ जाता है जो हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं, चाहे तो वो पॉजिटिव हो सकती हैं चाहे वो नेगेटिव हो सकती है। और खास तौर पर हमारी आदत होती है माइंड को, जो कुछ भी हमारे साथ गलत होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। तो जो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस के दौरान, तो उस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करिए। बार बार आपके थॉट्स कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, बार बार आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो आपको अटेंटिव रहना है, उन थॉट्स के साथ बहना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं यहां पर एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे हम एक नेगेटिव थॉट मन में लाते हैं तो हजारों नेगेटिव थॉट्स जो है वो मैग्नेट की तरह हमारे माइंड में आ जाते हैं, क्योंकि थॉट जो है उसमें मैग्नेटिक पावर होती है। और
और कहते भी है जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, तो जैसा हम नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होता चला जाएगा। तो आपको कंट्रोल करना है कि नेगेटिव थॉट्स में बहना नहीं है मुझे, इन नेगेटिव थॉट्स को डाइवर्ट करना है। और डाइवर्ट किधर करना है, अच्छी चीजों की तरफ। आपको ग्रेटिट्यूड वाला जो फील है वो यहां पर हेल्प करेगा। तो ग्रेटिट्यूड के लिए जो मेरा वीडियो है 3 stages ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो आप इसमें देख सकते हैं, वो आपको इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये 2nd stage का जो पार्ट है वो यहाँ पर आपको काम आएगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड वाला फील मन में लाने लगेंगे ना, तो वो जो खराब चीजें हैं या जो गलत चीजें हैं उनकी तरफ से आपका ध्यान हटेगा और आपका ध्यान पॉजिटिव चीजों पर आना शुरू होगा, और वहां से आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल होना शुरू होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस की, A, B और C, D, यानी ए आपने समझ लिया है एटीट्यूड, आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद एटीट्यूड में क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो मैंने बता दी है। दूसरा है बॉडी एंड ब्रीदिंग। बॉडी और ब्रीदिंग में आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना है, सेंसेशन को पहचानना है और ब्रीदिंग पर फोकस करना है। डीप ब्रीदिंग आपकी इसमें हेल्प कर सकती है, आप सांस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग, जो कि आपको नींद में हेल्प करेगा, आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और अपने माइंड को कूल और काम करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को अगर आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप चाहकर भी इन 3 steps की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 4 ABCD हैं, इनको सीखना और इनके प्रैक्टिस करना, ये आपने अगर शुरू कर दिया तो माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, कहते हैं ना कि जिस भी चीज का आप जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं आप उस चीज में उतने ही ज्यादा पारंगत हो जाते हैं। तो माइंडफुलनेस वैसे तो बहुत लंबा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर घंटों बात की जा सकती है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसकी, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके होते हैं, लेकिन सिंपल वे में जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन इनका फायदा बहुत ज्यादा है। और आजकल की इस भागदौड़ भरी और तनाव भरी जिंदगी में अगर माइंडफुलनेस की इन ABCD को अगर सीख कर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो मैं गारंटी लेती हूं कि आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ पर देखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिस करिए, और मेरी बात ना माने तो 7 दिन के लिए आप ये प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लौट कर इस वीडियो पर आइए और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद कैसा महसूस हुआ। देखिए, माइंडफुलनेस बहुत आसान है लेकिन आपको आदत में लाने की जरूरत है। तो ये वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो आपके अपने हैं जिनको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर आप जिनको सजेस्ट करना चाहते हैं कि उनके लाइफ में अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो ये स्टेप्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि वो कोई भी स्टेप अगर शुरू करते हैं तो लाभ तो होगा ही होगा, बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। तो जाने से पहले बस यही है कहना, बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।